एक तारीख से गंगा दशहरा है, जिसको हम लोग अमावस्या कहते हैं। सभी लोग पाप नाशनी गंगा में जाएं और माता रानी का आराधना करें और माता रानी से विनती करें कि हमारे घर में, हमारे देश में सुख शांति रहे। क्योंकि कहा जाता है कि 100 पाप करने के बाद भी एक बार आप गंगा स्नान कर लीजिए तो 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज पीआर में। मैं आपके साथ रूपम सिंह। भारत जहाँ पे लोग कोई भी काम करने के पहले सोचते हैं कि कोई शुभ मुहूर्त हो तभी वो काम करते हैं, चाहे वो शादी विवाह हो या कुछ भी अच्छे कोई भी शुभ काम हो, वहाँ पर देखते हैं पहले शुभ मुहूर्त दिया जाता है। चलिए, अभी अभी होली बीता है और होली बीतने के बाद कल, उसके कल होकर कैसा ये दिन होता है, क्या यह मुहूर्त कैसा होता है, क्या इसके बाद कोई शुभ काम किए जाते भी हैं या नहीं किए जाते हैं। आज मैं मंदिर में ही आई हुई हूँ और पंडित जी से चलिए जानते हैं कि होली के बाद कैसा दिन होता है शुभ काम करने के लिए। एक तारीख से गंगा दशहरा है, जिसको हम लोग अमावस्या कहते हैं। सभी लोग पाप नाशनी गंगा में जाएं और माता रानी का आराधना करें और माता रानी से विनती करें कि हमारे घर में, हमारे देश में सुख शांति रहे। क्योंकि कहा जाता है कि 100 पाप करने के बाद भी एक बार आप गंगा स्नान कर लीजिए तो 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। माँ सभी पाप का हरण कर लेती है, तो हम चाहेंगे सभी भक्त माँ के दर्शन जरूर करने जाएं और गंगा स्नान करें। अभी तो भादवा चढ़ गया है, इसको हम लोग भादवा कहते हैं। ये भादवा में होता क्या है कि हम कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, जैसे कहीं आना है, कहीं जाना है, यात्रा भी बंद हो जाता है। और ये यात्रा कब शुरू होगा तो माता रानी कहती है कि जब हम आएंगे धरती पे हमारी पूजा शुरू हो जाएगी तो फिर सब कार्यक्रम मंगलमय शुरू होगा। शादी ब्याह जितने भी शुभ कार्यक्रम है सब शुरुआत चैत्र से हो जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल की अमावस्या है और 2 अप्रैल से माता रानी का चैती नवरात्रा का शुभ कार्यक्रम शुरुआत है। जय माता दी। भादवा जो आप बोल रहे हैं चढ़ जाता है, ये भादवा क्या है? ये भादवा जो होते हैं, जैसे कहा जाता है कि हमारे धरती पे जैसे हम मनुष्य हैं, जीव जंतु बहुत सारे लोग हैं, उसी तरह ग्रह गोचर भी होते हैं और ग्रह गोचर में ही ये भादवा भी आते हैं। ये भादवा जो हैं, भगवान कहते हैं कि जैसे आप लोग जो दिन में खाते पीते हैं और रात में आराम करते हैं, उसी तरह हम लोग भी आराम करते हैं। और भगवान जब सो जाते हैं तो पूजा का कार्यक्रम बंद हो जाता है। उनके लिए वो लोग यात्रा निकाल देते हैं। कैसे? जैसे यात्रा में होता है कि आपका कोई पुराना कपड़ा हो वो अपने घर से बाहर किसी स्थान पर रखवा दीजिए, फिर आप निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वो कपड़ा? फिर जाने वक्त वो कपड़ा अपना ले लीजिए। जैसे मैं अपने पुराने कपड़े को बाहर निकाल दीजिए? निकाल दीजिए, किसी के यहाँ पर रख दिए, और जिस समय आप घर से बाहर जा रहे हैं उस समय अपना कपड़ा ले लीजिए। हुआ उसके सुबह में ही रखा जाता है, जैसे होली के सुबह में ही रखा जाता है, सूर्य उगने से पहले। जी जी माँ डोली से आएगी और हाथी पे जाने वाली है, और माँ कहती है कि हमारे डोली से आने का मतलब है उतल पुतल डोलना, क्योंकि डोली का मतलब होता है डोलते हुए आना और हाथी का मतलब होता है जल में जाना, यानी शुभ। माँ आती तो है डोलाते हुए, लेकिन जाएगी बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए। माता रानी का ध्यान लगावे
और जो सच्चा मन से माता रानी को याद करते हैं, माँ जरूर उनको दर्शन भी देते हैं और माँ का बहुत बहुत आशीर्वाद उनको मिलता है। जय माता दी। तो हमारे साथ पंडित जी थे, मौजूद थे, और उन्होंने बताया कि होली के बाद भदवा स्टार्ट हो जाता है और वो 1 तारीख को ख़त्म हो जाता है। 1 को अमावस्या है और उस दिन गंगा स्नान किया जाता है, और कहा जाता है कि गंगा स्नान करने के बाद जो जल वहाँ से लेकर आते हैं उसी जल से हम लोग घर में छिड़काव करते हैं और उसी जल से लीप भी हैं, मतलब देवते जो देवता होते हैं उन पे भी चढ़ाया जाता है। तो आपने सुना कि छठ कब से स्टार्ट होने वाली है, चैती नवरात्रा कब से स्टार्ट होने वाली है, और नवरात्रा में इस बार माँ किस चीज़ पे सवार होकर आएंगी, उन सारी चीज़ों का विवरण पंडित जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने बताया है कि शुभ मुहूर्त कब से स्टार्ट होगा और ये जो होली के बाद जो 1 तारीख तक जो है 1 से स्टार्ट होगा शुभ मुहूर्त, और 1 तक आप कुछ भी अच्छे काम ना करें। चलिए आप बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। 1 तारीख से गंगा दशहरा है जिसको हम लोग अमावस्या कहते हैं। सभी लोग पाप नाशनी गंगा में जाएं और माता रानी का आराधना करें और माता रानी से विनती करें कि हमारे घर में, हमारे देश में सुख शांति रहे, क्योंकि कहा जाता है कि 100 पाप करने के बाद भी 1 बार आप गंगा स्नान कर लीजिए तो 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है।